अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर आर डूइंग ग्रेट। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। ये एक पोइम है जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। इसे हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1812 में एथिन से कुछ एंशियंट स्कल्पचर मार्बल लाए गए थे, जिसे ब्रिटिश म्यूजियम में डिपॉजिट कर दिया गया था। वहाँ से कीट्स ने वो पीसेज ऑफ स्कल्पचर देखे जिनमें एक ग्रेशियन अर्न भी था। उससे इंस्पायर होके कीट्स ने ये बहुत ही खूबसूरत पोइम लिखी। इसे 1819 में लिखा गया और 1820 में इसे पब्लिश किया गया था। अब ओड क्या होता है? ओड इज़ अ टाइप ऑफ लिरिक पोइट्री। ये लिरिक पोइट्री की एक टाइप होती है और ओड्स को ऐसे स्ट्रक्चर किया जाता है। ये ऐसी स्ट्रक्चर्ड पोइम्स होती हैं जिसमें किसी इवेंट, किसी इंडिविजुअल या किसी चीज़ को प्रेस किया जाता है या ग्लोरीफाई किया जाता है। तो इस पूरी नज़म में भी आप लोग देखेंगे कि ग्रेशियन अर्न को प्रेस किया जा रहा है। कीट्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, इसीलिए तो वो इस पर एक ओड, एक नज़म लिखता है। ओके, और ग्रेशियन किसे कहते हैं? ग्रेशियन यूनानी। और अर्न क्या होता है? अर्न का मतलब होता है वॉस। वॉस मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पहले किसी भी डेड इंसान की एशियस को रखने के लिए या खाक को रखने के लिए भी यूज़ होता था, और फूलों वगैरह को रखने के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन ये वो वॉस था जिसमें डेड लोगों की एशियस को रखा जाता है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ये ओड जो है, इसमें 5 स्टैंजाज हैं। हम हर एक स्टैंजा को लाइन बाय लाइन देखेंगे और हर एक वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। आज हम फर्स्ट स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। हर स्टैंजा 10 लाइंस पर मुश्तमिल है। सो लेट्स कम टू द टेक्स्ट। दो स्टिल अनरेविस्ड राइट ऑफ क्वाइटनेस। दो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है यू, यानी कि तुम। दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस। अनरेविस्ड कहते हैं नई नवेली दुल्हन, बेदाग, अनछुई दुल्हन, ब्राइट दुल्हन। ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस कहते हैं साइलेंस को, खामोशी को। सो दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस, तो सुकून की कवारी दुल्हन है, तो खामोशी की कवारी दुल्हन है। दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम्स। दो यहाँ पे फिर क्या होगा? यू, फॉस्टर चाइल्ड होता है लिपालक बच्चा जिसे अडॉप्ट किया गया हो। और साइलेंस, साइलेंस खामोशी, एंड स्लो टाइम, स्लो टाइम ऐसा ऐसा गुजरने वाला टाइम। सो जिसको खामोश और मध्यम वक्त ने पाला है, जिसको खामोश और मध्यम वक्त ने पाला है। सिल्विन हिस्टोरियन हु कांट्स दस एक्सप्रेस। सिल्विन हिस्टोरियन का क्या मतलब है? तो लकड़ी का बना हुआ। सिल्विन जंगली भी कहते हैं लकड़ी के बने हुए। हिस्टोरियन तारीख दान, तो लकड़ी का बना हुआ तारीख दान है। हु कांट्स दस एक्सप्रेस। कांस्ट का मतलब होता है यू कैन, यानी तुम कर सकते हो। हु कांट्स दस एक्सप्रेस, एक्सप्रेस होता है बयान करना, इजहार करना। तो लकड़ी का बना हुआ ऐसा तारीख दान है जो बयान कर सकता है। अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अ राइम। राइम क्या होता है? राइम शायरी को कहते हैं। फ्लावरी टेल फूलों की कहानियाँ, इन दोनों लाइन्स का मिला के मतलब क्या बनता है? तो लकड़ी का बना हुआ तारीख दान है जो बयान कर सकता है। क्या बयान कर सकता है? हमारी नज़म के मुकाबले में ज़्यादा दिलकश तौर पर फूलों की कहानी। व्हाट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप। लीफ फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड होते झालर और लीफ होते पत्ते, तो जो पत्तों के जो झालर बने हुए हैं। लेजेंड होते हैं स्टोरी। हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप, दाई होता है यूअर और शेप होता है बनावट। सो तेरी बनावट में जो पत्ते दिखाए गए हैं वो कौन से किस्से जाहिर करते हैं? लेजेंड, स्टोरी या किस्से। सो तेरी बनावट में जो पत्ते दिखाए गए हैं वो कौन से किस्से जाहिर करते हैं? ऑफ डीटीज आर मॉर्टल्स आर ऑफ बोथ। ऑफ डीटीज क्या होते हैं? खुदा। और मॉर्टल्स, मॉर्टल्स इंसान। आर ऑफ बोथ या दोनों, यानी कि वो कौन से किस्से जाहिर करते हैं? देवताओं के किस्से जाहिर करते हैं, इंसानों के या फिर दोनों के। यहाँ पे मॉर्टल्स का वर्ड इंसानों के लिए आया, बिकॉज इंसान जो हैं वो मॉर्टल्स हैं, फानी हैं, फना होने वाले। इन टेम्पल आर द डेल्स ऑफ आर्केडी। टेम्पल होता है मंदिर, डेल्स कहते हैं वादियों को। ऑफ आर्केडी, आर्केडी है रीजन, है एक मुल्क है या ज़िला है एंशंट ग्रीस का।
So in temple are the dales of Arcady. Temple me yo Arcady ki vadiyo me. What men or gods are these? Ye kaun se aadmi hain ya devta hain? What maiden sloth? Ye kaun si majboor ladkiyan hain? Maidens kehte hain ladkiyon ko. Loth kehte hain loth na razaman, unwilling ya majboor. So ye kaun si majboor ladkiyan hain? What mad pursuit? What struggle to escape? Mad kehte hain janoon ko, pagalpan ko, pursuit kehte hain taakob ko. Ye kaun sa janoon hai taakob ka? What struggle to escape? Struggle koshish ko kehte hain, jadojahd ko kehte hain, escape farar ko kehte hain, ye nijat ko kehte hain. Iska matlab kya bana? Ek aisa janoon hai, kaisi nijat hasil karne ki jadojahd hai. What pipes and timbrels? What wild ecstasy? Pipes and timbrels ye instruments hote hain. What wild ecstasy? Ecstasy hoti hai extreme happiness. So kaun si mausiki ke alat hai? Kaun si khushiyan aur sarmastiyan hain? Ye to tha hamara aaj ka first stanza from Ode on a Grecian Urn. Inshallah taala hum next video mein next stanzas ko discuss karenge. So stay tuned. Inshallah taala next video mein mulaqat hogi. Allah Hafiz.